But today I am going to tell you a digital marketing solution. This is the digital era, so you must know the digital marketing and learn who is the father of digital marketing. It's no certain uncertainty that Rand Fishkin is one of them. He is considered the father of digital marketing. Rand Fishkin father of digital marketing. He is a visionary digital marketing and SEO leader, जो कि एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लीडर थे. अब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हमने कल आपको बताया था और कुछ टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बताया था. आज आपको बता रहे हैं इसमें सबसे पहले आया ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेज पर क्लिक मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड, रेडियो एंड टीवी एड्स, मोबाइल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो जितने भी काम डिजिटली होते हैं उसके लिए अलग अलग मार्केटिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे जिसको टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. द 10 स्टेप टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग करियर. अगर उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो 10 स्टेप हैं जिनको आप यूज़ करके सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं. गेट टू नो द बेसिक ऑफ डिजिटल. सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक आना चाहिए. अपनी वेबसाइट खोलिए, SEO के एक्सपर्ट बनिए, गूगल एड और फेसबुक एड्स को के एडवर्टीजमेंट को जान में मास्टरी करिए. एक्सपर्ट इन गूगल एनालिटिक, आप गूगल एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट बनिए. गेट डिजिटल मार्केटिंग जॉब एज अ freelancer और freelancer की तरह आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करिए, जॉब करिए. गेट अ रियल इंटर्नशिप, इसके लिए आपको इंटर्नशिप भी आनी होनी चाहिए. स्टे इनफॉर्म्ड ऑफ न्यू अपडेट एंड कीप लर्निंग, और नया अपडेट क्या क्या आ रहा है उसको जान के सीखना पड़ेगा. लर्न हाउ टू यूज अ डिजिटल मार्केटिंग टूल, और जितने भी मार्केटिंग टूल हैं डिजिटल के उसको कैसे हम यूज़ करें जो हम ऑलरेडी आपको अभी बता चुके हैं. टॉप 7 स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. और अगर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये 7 स्किल आनी चाहिए, जिसमें से बेसिक डिजाइनिंग स्किल, डेटा एनालिसिस स्किल, कॉन्टेंट क्रिएशन स्किल, SEO और SEM, CRM और कम्युनिकेशन स्किल और सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे अगर आपको काम करना है तो कम्युनिकेशन आना चाहिए, कंटेंट रिसोर्स मैनेजमेंट आना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए और डेटा एनालिसिस आनी चाहिए. डेटा एनालाइज करके आप ये जानिए कि इस समय मार्केट किस फेवर में है, और बेसिक डिजाइनिंग आपको कॉन्टेंट की आनी चाहिए. ये सारी स्किल जब आपकी होगी तो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं. वॉट आर द 7 एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग प्लान. अब मार्केटिंग प्लान के लिए आपके पास कौन से ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जो जरूरी है. हियर द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान दैट कीप्स द सेल्स पाइपलाइन फुल. तो अब इसमें कुछ जरूरी कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है. सबसे पहला है मार्केट रिसर्च आनी चाहिए, इज द बैकबोन ऑफ द मार्केटिंग प्लान. आपकी मार्केट की रिसर्च करके उसका क्या क्राइटेरिया चल रहा है, क्या वे चल रहा है उसको जानना चाहिए. टारगेट, और उस मार्केट को टारगेट करें जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो. वेल डिजाइन टारगेट मार्केट डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाइज यूज मोस्ट लाइकली बायर. आपके बिजनेस अपने ब्रांड के हिसाब से आपके बायर्स कहाँ पे हैं और मार्केट किस तरह से है, कहाँ पे आपको वो बायर्स मिलेंगे उनको टारगेट कीजिए. उनकी पोजीशन क्या है और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कीजिए कि सेम ब्रांड के लोग क्या क्या कर रहे हैं और उनकी क्या मार्केट स्ट्रेटेजी है और बजट आपका क्या है और मैट्रिक्स क्या है. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केट की, तभी आप मार्केट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं. द 7 पीज ऑफ मार्केटिंग एंड इंक्लूड्स. 7 पीज हैं जो मार्केटिंग के लिए ज़रूरी हैं. पहला, प्रोडक्ट को जानिए, उसकी प्राइस क्या है, चल रही है, उसका प्रमोशन कैसे करें, किस किस प्लेस पे प्रमोशन करें, किस टाइप के पीपल को प्रमोट करें, उनका उसका प्रोसेस क्या है, और फिजिकल एविडेंस
आप फाइंड आउट कीजिए कि किस प्रोडक्ट का प्रमोशन किस जगह पे अच्छे से हो पाएगा, तो उस जगह पर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, उस जगह पर उसको प्रोसेस करके आप ब्रांड को प्रमोट करिए। 5 D's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, 5 डिजिटल मार्केटिंग डीज। डिजिटल मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द 5 D's। डिजिटल डिवाइस, कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, मोबाइल है, टीवी है, कैमरा है, क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। डिजिटल डेटा, कौन किस टाइप का डेटा आप एक्वायर कर रहे हैं, जनरल सोशल मीडिया से और सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और किस टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कितने अच्छे से कर पाते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर डिवाइस नहीं है तो आप मार्केटिंग प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन के लिए आपको मोबाइल चाहिए ही चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आपको लैपटॉप या आपका मोबाइल चाहिए, प्लेटफॉर्म आपको मिलना चाहिए जहाँ पर आप अपने डिजिटल डिवाइस डिजिटल मीडिया में जा कर के अपने डेटा को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकिए, अपनी एबिलिटी को दिखा सकिए, और वो तभी पॉसिबल है जब डिजिटल टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी होगी। डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन, सो डिजिटल मार्केटिंग के सॉल्यूशन क्या क्या हुए। सबसे पहले आपके पास ब्रांडिंग होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए या उस ऐप होना चाहिए, ई कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग आनी चाहिए, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होना चाहिए, वीडियो बनाना आना चाहिए, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आना चाहिए, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, और फ्लुएंट होना चाहिए, ऑनलाइन सेल आना चाहिए। सारी कुछ चीज़ें होंगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा और आपका तब ऑनलाइन सेल अच्छा होगा। डिजिटल मार्केटिंग का सोल्यूशन इन सारे कॉम्पोनेंट से स्ट्रेटजीज से निकल सकता है। अब एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओवर अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पहले की मार्केटिंग और अब की मार्केटिंग में क्या फ़र्क है और उसकी क्या एडवांटेज है। पहले की अपेक्षा कॉस्ट कम होती है, आपको सर्वेंट नहीं रखना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं बनाना पड़ेगा, आपको प्रेमाइसिस नहीं यूज़ करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल बर्डन दैट बिजनेस हैव टू बेयर। आपको मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर रखना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत रहती है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं तो आपकी ये कॉस्ट कम हो जाती है और एडवर्टाइजिंग और आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को दूर से दूर तक पहुँचा सकते हैं। ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से ज़्यादा कस्टमर होते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ईजी टू मेज़र, और क्योंकि सारा डिजिटल डेटा होता है तो आपको डेटा क्रिएट भी नहीं करना पड़ता है और उसको उसकी वर्किंग को आप ईजिली मेज़र कर सकते हैं। ईजी टू एडजस्ट, अब ईजी टू एडजस्ट क्यों है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आप उन जगहों पर अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं जहां आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिले, ज़्यादा आपको विजिटर्स मिले और ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल हो। ब्रांड डेवलपमेंट, और ब्रांड अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी रेपुटेशन बन जाती है और जिससे ज़्यादा लोग आपको जानते हैं। ईजी टू शेयर, अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। प्रिसाइज टारगेटिंग, और उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को चाहते हैं, और इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो ग्लोबली लोगों के बीच में चली जाती है और फ्लेक्सिबल होती है। जिस जगह पे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा, जहाँ पे लोगों का CTR ज़्यादा होगा, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को शो करिएगा, अपने प्रोडक्ट को शेयर करिएगा और सप्लाई करिएगा। लो बैरियर्स टू एंट्री, और एंट्री की भी बैरियर नहीं रहती है। लो बैरियर इसलिए है कि आपको कोई रोकने वाले नहीं डिजिटल मार्केटिंग में,
आप सोशल मीडिया पे हो तो आप अपने इंफॉर्मेशन को इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हो, इजी टू ऑप्टिमाइज। और फिर जब आपके पास डिजिटल डेटा है, डिजिटल डिवाइस और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो आप अपने प्रोडक्ट को इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ब्रांड डेवलप कर सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेज तो बहुत अधिक हैं। क्यों? क्योंकि डेटा सिक्योरिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, क्राइम और टेररिज्म बढ़ जाता है, लोग आए दिन चैनल को हैक कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आपको बहुत से पासवर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, बहुत से सिक्योरिटी मेजर लेने पड़ते हैं, और अगर आपका कुछ डेटा चोरी हो जाता है तो आपको कंप्लेन करके उसको रिट्रीव करना पड़ता है, बहुत बार जो होता है पैसा चोरी हो जाता है बैंक से हैक करके और आपको रिटर्न भी नहीं हो पाता है। प्राइवेसी कंसर्न है, क्योंकि प्राइवेसी इसमें नहीं रह जाती, जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हो तो आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है, चाहे आप जितना उसमें सिक्योरिटी लगा लो, कोई ना कोई तरह लोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो। सोशल डिसकनेक्ट, अब आप जब दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपको लोगों से मिलना कम होता है और सोशल में डिस्कनेक्शन हो जाता है, आप बहुत कम लोगों से मिल पाते हैं। वर्क ओवरलोड, और आपके ऊपर वर्क ओवरलोड बहुत होता है, क्यों? क्योंकि हर समय आपको लगे रहना पड़ता है अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों के पास भेजने में। डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन, बहुत से आपको मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, जॉब इनसिक्योरिटी ये है कि कोई काम आपका गलत हो गया तो आप जहाँ काम कर रहे हैं जल्दी से आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। प्लेजरिज्म एंड कॉपीराइट, अब इसमें कॉपीराइट का भी डर रहता था, पहले लोग जो मैन्युअली काम करते थे तो आपके प्रोडक्ट सेफ होता था और कोई इसका कॉपीराइट नहीं, कॉपी कंटेंट नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट जो होता था यूनिक होता था और लोग उसको कॉपी नहीं कर पाते थे। एनोनिमिटी एंड फेक पर्सन, अब बहुत से ऐसे फेक पर्सन मिलते हैं जो इंपर्सनेट करके ब्रांड को आपको मेल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं और आप सोचते हैं ब्रांड ने भेजा और आप उसको चीट करते हैं। ओवर रिलायंस ऑन गैजेट, और हमको गैजेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है, हमको सारी अलाउंस देनी पड़ती थी, कैमरा भी यूज़ कर लो, फ़ोन का सब कुछ यूज, साउंड भी यूज़ कर लो, टेक्स्ट भी यूज़ कर लो, गैलरी भी यूज़ कर लो, सब परमिशन हम देते हैं तब वो आपको कोई भी गैजेट की फैसिलिटी देता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। एडिक्शन हो जाता है, लोग दिन भर बैठे कंप्यूटर मोबाइल और लैपटॉप पर ही काम करते रहते हैं और सेकेंड हैंड लिविंग हो जाती है, आदमी मशीन बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज भी, आपकी डिफरेंट ढंग से स्टोरिंग कैपेसिटी होती है लेकिन आप इतना स्टोर नहीं कर पाते, डिजिटल में आपका कुछ ना कुछ डेटा हार्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। सपोज़ आपका चैनल हैक हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आपके सारे वीडियो, सारे मैसेज, सारी चीज़ें वापस आ जाएं, और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी स्टोरेज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। डीपर्सनलाइज वेयर, और आपका पर्सनलाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाता है। लॉन्गिविटी भी ज़्यादा नहीं है, आज फोन 2G है तो कल 3G हो गया, तो 4G हो गया, इसी तरह कंप्यूटर में प्रोसेसर बदलते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है, पुराना फ़ोन नहीं चलता है, तो आप जिस पे आप अपना इंफॉर्मेशन जिस पुराने फ़ोन के थ्रू करते हैं अगर वो नहीं ऑन होता है तो आपको OTP नहीं मिलेगा, आपको ईमेल नहीं मिलेगी, आप प्रॉपर ढंग से मैसेज नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा और आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट डिसकनेक्ट हो जाता है। सोशल एलियनेशन भी होता है, आपका सोशल बाइकॉट हो जाता है, एक तरह से आप सोशल से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाते क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड इतना है कि आप दिन भर डिजिटल डिवाइसेस पे लगे रहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो और लोगों से मिल नहीं पाते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर्स,
इसके बहुत से लाभ हैं तो बहुत से डिसएडवांटेज भी हैं, और आप ये समझ कर तब इसको करिएगा। ये एक सेपरेट कैरियर है जिसको आप यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, और इसकी सैलरी बहुत अधिक होती है जिससे कि आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आई टी इन्फॉर्मो, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।